कुछ बनाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है और ये जो तैयारी मैं कर रहा हूँ स्टीम करने वाला हूँ मैं। कुछ मीठा बनाएंगे और ये जो एप्पल है इसको थोड़ा पका के ऐसे स्ट्यू टाइप करेंगे। एप्पल, वॉशिंगटन एप्पल, नाइस डिलिशियस हेल्दी एप्पल में जो फ्रेशनेस है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इसको मैं ले लेता हूँ इसके अंदर। एप्पल जब तक पकता है चीनी के साथ में पकाएंगे इसको। लेकिन ये स्टीमर किस लिए रखा है? स्टीमर रखा है हमने कुछ स्टीम करने के लिए। स्टीम करेंगे हम दही, दूध और कंडेंस मिल्क। बहुत बढ़िया चीज़ बनती है भापा दोई। इसमें चाहिए इक्वल क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड योगर्ट, दूध, ये इसके अंदर मिक्स किया, चीनी, ये जरा चीनी मेल्ट होगी इसके साथ में एप्पल के साथ, कंडेंस्ड मिल्क, दही, दूध, कंडेंस्ड मिल्क, इसको मिक्स करना है हमने। जब इसे हम स्टीम करेंगे ना तो बढ़िया से सेट हो जाएगा। ये मेरे पास में मैंने जार्स लिए हुए हैं। इसके अंदर और फिर इसके बाद इसको ढक्कन लगा दिया, स्टीम करेंगे। क्या हाल है इसका? आहा, तो अब इसको गर्म भी खा सकते हैं, ठंडा भी खा सकते हैं। गर्म खाना हो तो इसी समय निकाल के, नहीं तो ठंडा करके, चिल करके। और हमारे पास ये जो वॉशिंगटन एप्पल जिसको हमने स्टू किया है इसको थोड़ा फ्लेवर भी कर सकते हैं। इसके अंदर चाहें तो नटमेग का पाउडर डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। आहा, नाइस एंड जूसी वॉशिंगटन एप्पल का कमाल भापा दोई के साथ। खाने में तो खाने के बाद ही पता चलेगा। मिंट, थोड़ा सेब, थोड़ी भापा दोई, गर्मा गर्म, ठंडा होके तो खा ही सकते हैं, गर्म कैसा लगता है? कमाल की बात है ना, खा सकते हैं। क्योंकि अपने आप को थोड़ा सा झूठा आश्वासन दे सकते हैं कि स्टीम्ड है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसे ही होता है। जैसे मतलब पुराने ज़माने में लोग कहते थे रशियन सैलेड जिसके अंदर ढेर सारा मेयोनीज पड़ा होता था, वो लोग कहते थे सैलेड खाए आज लंच के लिए क्योंकि उसमें कैलोरीज ढेर सारी। कैलोरीज तो कैलोरीज हैं लेकिन इसमें जो गुडनेस ऑफ वॉशिंगटन एप्पल्स है वो तो कोई झुठला नहीं सकता।